हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आरजे ऑनलाइन क्लास क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। ए क्वाइन इज प्लेड टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट्स द गेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट टीम विल स्टार्ट। तो हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले, फिर उसका आंसर दे रहे हैं। ए क्वाइन इज प्लेड टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट द गेम। जैसे हम कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो क्वाइन को टॉस करते हैं। अब क्वाइन को टॉस करते हैं तो दो टीम होती है हमारे पास, उनके कैप्टन्स होते हैं। कौन सी विनिंग टीम होती है? हो सकता है दूसरी टीम जीते, हो सकता है। जैसे कोई टीम है हमारे पास ए एंड ए एंड, अब टॉस किया, हो सकता है ए टीम ने हेड अज्यूम किया तो हो सकता है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर ए टीम का हेड आ गया तो इसका मतलब लॉसिंग टीम कौन सी होगी और विनिंग टीम कौन सी होगी? ए। विनिंग टीम हो गई ए और लॉसिंग टीम कौन सी होगी? लॉसिंग टीम होगी हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हेड नहीं आए तो इसका मतलब बी हमारे पास, अगर हेड नहीं आया तो इसका मतलब टेल आया, टेल आया तो हमारे पास विनिंग टीम कौन सी हो जाएगी? बी। विनिंग टीम और लॉसिंग टीम फिर कौन से हो जाएगी हमारे पास? ए। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटी दोनों टीम होगी, मे बी और नॉट बी। कोई भी हो सकती है, वो जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती। तो ये दोनों केस कंसिडर होंगे इसमें, विनिंग एंड लॉसिंग। देखिए एक कॉइन इज प्लेड टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट करे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हाफ ऑफ होगी। कैसे? फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट है हमारे पास की, उसके जो हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हैपन इवेंट्स और ट्रायल्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और ट्रायल्स। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ए टीम का फाइंड करो, चाहे बी टीम का, किसी का भी एक का फाइंड कर लो। जैसे ए टीम का हमें हेड फाइंड करना है, जैसे ए टीम हमारे पास बिली हुई, तो हमारे पास टोटल केसेस क्या होते हैं? अब जो हेड आएगा, नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 1 आएगा हेड आने, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हमारे पास? 2। या तो हेड आ सकते हैं एक है, तो टोटल कितना हो गया? 2। तो 1 अपॉन, तो विनिंग की ये होगा और लॉसिंग की। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन एंड नॉट हैपन, ये तो हो गया हमारे पास हैपन करते हैं। नॉट हैपन का हमारे पास केस क्या होते हैं? नॉट हैपन मींस पार लगा के इंटीग्रेट करते हैं, 1 में से हैपन को माइनस करते हैं, नॉट हैपन कैसा है? 1 माइनस। तो नॉट हैपन अगर हमें फाइंड करना है बाद 1 माइनस 1 अपॉन 1 में से क्या माइनस करना होगा? 1 अपॉन, तो ये भी सेम आएगा 1 अपॉन। तो कहने का मतलब है एक क्वाइन इज फ्लिप टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो जो हमारी टीम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ ऑफ मतलब बेबी और जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती। तो दोनों ही केस होने की भी हाफ होती है और नहीं होने का भी केस हाफ होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या दे सकते हैं? 1/2 हाफ ऑफ पॉसिबिलिटी होगी। फॉर्मूले से आपको समझ आ गया, तो इसका फाइनल आंसर हाफ 1/2।